यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को वापस लाने का अभियान जारी है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। इस बीच सोशल मीडिया पर यह ग्राफिक वायरल है। इस ग्राफिक में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तस्वीर के साथ बताया गया है कि यूक्रेन में बसे भारतीय अपनी गाड़ी या घर पर भारतीय तिरंगा लगा दे, ये देख रूस की सेना उन्हें कुछ नहीं कहेगी और उन्हें सुरक्षा स्थल तक पहुंचाएगी। ये ग्राफिक प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए शेयर किया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर पर ये ग्राफिक वायरल है। इसकी असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज के ऐप और व्हाट्सएप नंबर पर कुछ रिक्वेस्ट भी आई है। तो क्या वाकई में रूस की सेना ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर और गाड़ी पर तिरंगा लगाने को कहा? इस दावे की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने कीवर्ड सर्च किया, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाली कोई मीडिया रिपोर्ट हमें नहीं मिली। अगर रूस द्वारा ऐसा कोई बयान दिया जाता तो मीडिया में इसकी खबर जरूर होती। लेकिन व्यूअर्स ध्यान दें कि भारत ने यूक्रेन में बसे भारतीयों को सुरक्षित जगह या बॉर्डर तक पहुंचते वक्त भारतीय झंडा या स्टिकर लगाने की अपील जरूर की है, ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। यानी रूस ने यूक्रेन में बसे भारतीयों को गाड़ी और घर पर तिरंगा लगाने की कोई बात नहीं कही। इस तरह की युद्ध की स्थिति में ऐसी भ्रामक जानकारी यूक्रेन में बसे भारतीयों के लिए गुमराह करने वाली साबित हो सकती है। हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी तनाव की स्थिति में अफवाह फैलाने में भागीदार न बनें।